से इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, कैसे आप इन जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएंगे, क्षेत्र के विकास में अपना भागीदार योगदान दे पाएंगे? जी, जिस प्रकार हमारी संस्था, हमारी जो नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ जस्टिस का जो मेरे को अपने पूरे मध्य प्रदेश से वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट पदभार दिया है, उसको मैं अपने ईमानदारी, पूर्ण ईमानदारी के साथ निर्वहन करूंगा। सर, क्षेत्र में देखा जाए तो आज से आपको पदभार तो मिल गया है, लेकिन क्षेत्र में जैसे अभी सर ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या है कि विकास नहीं हो पा रहा है, विकास ना होने का कारण भी कुछ है कि जो निचले स्तर के अधिकारी होते हैं वो ही जो नीचे से सरपंच व सचिव होते हैं उन पर दबाव रहता है, वो खुलकर काम नहीं कर पाते हैं, तो क्या आपकी संस्था या आपका कुछ इस पर भी ध्यान आकर्षित होगा, क्या ऐसे कार्यों पर भी आपकी योगदान रहेगी? जरूर होगा। तो हमारी संस्था ने हमको जिस प्रकार विश्वास करके मुझे डिप्लोमा में मैं परीक्षा पास करके जो दायित्व दिया है और जो पदभार मुझे सौंपा है, तो मैं इस पदभार को सत्य निष्ठा से जिस गांव में अगर जो अपनी पूरी ताकत लगा के काम कर लूं तो उस गांव का विकास अपने आप बढ़ जाएगा। सर, जिस प्रकार से क्षेत्र की समस्याएं हैं बिजली पानी और सड़क को लेकर, जो सरकार की बड़े बड़े दावे होते हैं कि हमने अपने शहर को पूरा चमन बना दिया, लेकिन आज भी लोग 70 साल पीछे की ज़िंदगी जी रहे हैं। विकास का मतलब होता है बिजली पानी सड़क, लेकिन आज ऐसे कई गांव हैं जहां आज तक बिजली और पानी और सड़क के लिए अभाव से लोग जी रहे हैं, क्या उन लोगों के लिए भी कुछ आपका टीम या आपकी संस्था कुछ करेगी? जी हाँ, बिल्कुल करेगी, क्योंकि जो हमारी सरकार जो हमको दिया है दायित्व, सरकार ने हमारी जो हम लोग को बिजली पानी सड़क के बारे में जो बोल रहे हैं, तो उसमें ऐसा दिया है कि अगर जो हमको अपना हक लेना है तो एकजुट होकर के सबके साथ मिलजुल कर काम करें। और हमारी जो संस्था है वो यही कहती है कि आपको अकेले नहीं, सबको लेके चलना है, जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं और उनके हक की लड़ाई के लिए हमारे ह्यूमन राइट्स सोशल इंडियन जो संस्था है वो हमको पर, ताकि हम उनको जागरूक कराएं और जागरूक करा के उनके हक के लिए लड़ाई लड़ें। सर, जिस प्रकार से ह्यूमन राइट्स संस्था से आपको जर्नलिस्ट का भी एक दायित्व मिला है, आपको यहाँ पर जर्नलिस्ट का दायित्व का निर्वहन कैसे करना है, इसके लिए भी क्या लोगों को समस्याओं का निवारण करा पाएंगे? जी, करा पाएंगे ना, क्योंकि हम सबको मिलजुल कर एक होकर के जब काम करेंगे तब ऐसा मिल सकता है, अकेले कोई कार्य नहीं हो पाएगा। अपने पूरी जनता को, सबको एक साथ मिल करके काम करेंगे तो क्यों नहीं होगा। जैसे आपने कहा सर, हमारी संस्था जो है ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लेवल पर है, और इंटरनेशनल लेवल पर लगभग आपके टीम में कितने लोग होंगे, क्या इसका भी जानकारी हमारे दर्शकों को देंगे? तो इंटरनेशनल लेवल पे ये ह्यूमन राइट्स है, इस पे हजारों लोगों से ऊपर है, उसका कोई गिनती नहीं। जो भी व्यक्ति है जो जन कल्याण के लिए वो तत्पर रहता है, वो एक एक का मदद करते हैं, तो वो बंदा खुद ह्यूमन राइट्स से जुड़ा रहता है। उसका कारण ये ह्यूमन राइट्स के तहत, ये संगठन का तहत इतना ताकत है कि कोई भी कार्य ऐसा नहीं है निर्वहन ना, उसका पूर्ण रूप से कार्य होगा। जो दबे कुचले लोग हैं, शिक्षा का कमी है, वो शिक्षा को भी यहाँ पर एक बिजनेस बनाकर जो चलाता है, कोई कुछ लोग ऐसे भी है सपना देखता है हमारा बच्चे को बाहर भेजेंगे, हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन वो पढ़ा नहीं पाता, उसके लिए भी शासन द्वारा उसको सहयोग दिया गया, वो उन तक नहीं पहुँचता, वही कारण वो शिक्षा से वंचित रहता है। ऐसे लोगों को भी जागरूकता अभियान चलाकर उन्हें आगे लाए और शिक्षा की ओर भेजें, शिक्षित बनाकर उन्हें बाहर निकालें, क्योंकि हमारा ये
देश का, हमारा मध्य प्रदेश का, हमारा अभी वर्तमान में हम निवास में, तो निवास क्षेत्र का विकास हो, ये पूर्ण रूप से हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर पूरी जानकारी देने के लिए। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का और आगे हम दिखाएंगे सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायत हरदी के सरपंच की भ्रष्टाचार की तस्वीरें। तब तक बने रहें यूडी न्यूज के साथ और मैं हूं पंकज दुबे।